السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں کویت سے بات کر رہا ہوں, سراج پاشا بول کے. میرے کو آ کے کویت میں 3 سال ہو گیا, اس سے پہلے انڈیا میں تھا. میرے کو بات چیت کے وجہ چھوڑنے کی مطلب کیا, تو بات چیت چھوڑنے کی سعودی میں پہلے 5 سال رہا. میں سعودی سے تھوڑا ایسے ویسے آدمی لوگ سے بہت سے سنا میں بات سے, یعنی کہ میرے بیوی کے بارے میں. तो वो सुन के 4 साल रह गया था इंडिया में. इंडिया में 4 साल रह गया मैं, ऐसे थोड़ा बात 1 से 3 4 बार लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया था, बातचीत छोड़ दिया. बाद में आने के बाद क्योंकि कुवैत को आके 3 साल हो गया मेरे को, ऐसे 1-3 महीने के बाद में बात छोड़ दिया. मैं ही बोल दिया था बात करना छोड़ दिया मेरे को, ऐसा वैसा बोल गया. मेरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए तो मैं बातचीत छोड़ दिया. बच्चों से बात करता हूँ, बच्ची अभी शादी लायक है, बेटा भी अभी पढ़ रहा है, दोनों भी पढ़ रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, हमारे ऐसे की दुआ है हमारे ऊपर इंशाल्लाह. ऐसा क्या भी नहीं, वो इसका मसला उसको क्या कर सकते हैं, उसका तर्जुमा थोड़ा मेरे को बोल दिया तो अच्छा होता हज़रत. अभी क्या वो निकाह ख़त्म हो जाता है, क्या बाकी रहता है, यही वजह से मैं तुम्हारे 3-4 दिन से ट्राई कर रहा था फ़ोन में. मैं आपका नंबर आके फेसबुक में देख के सुनते रहता हूँ ना, मैं फेसबुक देखते रहता हूँ ना, वो आपके मैं सवाल जवाब सुनते रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे को लगाया फ़ोन, देख के क्या सब ये करो हज़रत. इंशाल्लाह मुहरता हूँ मैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा खुला करने का मतलब वही सा था, बीबी पहले झगड़ा करने की वजह क्या हो, तो ये उनके माँ के घर में बुला जाके मेरे को बेइज्जत कर दिए. बोलते कि तेरे को कौन पसंद है, किसके पास कौन पसंद है उसके पास जाके निकाह पढ़ा ला, ऐसा वैसा उल्टे सीधे थोड़ा बहुत से बातें की है. वो मेरे को दिल पे लग गई बात, वो बात अभी तक मैं भूला नहीं. 18 साल शादी हो के 18 साल से तो खाली यही लफड़ा हो रहा है, उसके उसकी उनकी और हमारी नहीं जम रही है. अभी अभी छोड़ देंगे बोले तो बच्ची शादी लायक है क्या, छोड़ने का तो इरादा है बोल के मैं थोड़ा बच्ची छोड़ दिया. बच्चों की वजह से बच्चों को बातचीत कर रहा हूँ अच्छा, उसका खर्चा पानी सब दे रहा हूँ मैं, दोनों बच्चों को खर्चा पानी दे रहा हूँ, घर का किराया किराया सब बन रहा हूँ मैं, लेकिन उसकी मेरी जमरी नहीं आता. 18 साल होगा शादी होगा, 18-20 साल होते आ रहा शादी हो गया, नहीं जमरी उसकी मेरी. कुछ ना कुछ बात लेके कुछ ना कुछ लफड़ा होते रहता है, ये आपसे थोड़ा पूछेंगे बोल के ये किया हज़रत. हाँ हज़रत देखिए थोड़ा मेहरबानी करके क्या हासिल बोलो मेरे को, रखता हूँ मैं. अस्सलाम वालेकुम. भाई साहब ने अपने घर की कहानी सुनाई है और बहुत वाजे तौर पे समझ में तो नहीं आया कि पूछना क्या चाहते हैं. इन्होंने शुरू में जो कहा कि 3 साल से बातचीत नहीं हुई है तो निकाय बाकी कि नहीं, शायद ये पूछना चाहते हैं. भाई बातचीत ना करने से निकाय ख़त्म नहीं होता, 3 साल हो या 30 साल हो, अगर आप बातचीत आपने बंद की है लेकिन बाकायदा निकाय ख़त्म नहीं किया है, तलाक आपने नहीं दिया है, आपकी बीवी ने खुला नहीं लिया है, तो फिर निकाय ख़त्म नहीं हो सकता. और फिर आगे आपने कहा कि साथ में नहीं रह सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम है ये है, तो देखिए पहली बात है कि झगड़े तो हर घर में होते हैं. अगर कोई आदमी इस भूल में है कि सिर्फ उसके घर में झगड़े होते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, उससे ज़रा और इंक्वायरी करना चाहिए, आसपास पूछना चाहिए कि जिसको वो ये समझ रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत हमारे घर में है, ऐसा तो नहीं कि हर जगह इस तरह के झगड़े होते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ है, उसको ज़रा इसको देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए झगड़ों को. लेकिन अगर कोई ऐसी बात है आप अलग होना चाहते हैं तो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ लोकल किसी आलिम से कंसल्ट करें, मिलें, सारा मामला उसके सामने रखें, अगर वो मुनासिब मशवरा देता है अलग होने का तो अलग हो जाइए, नहीं तो साथ में रहिए. यहाँ से हमें नहीं मालूम कि क्या सब मामला थे, इतना सिर्फ उसूली बात कह सकते हैं कि अगर कोई साथ में रहना चाहता है तो कोई अलग नहीं कर सकता, अलग होना चाहते हैं तो कोई साथ में ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे शौहर अलग होना चाहे, चाहे बीवी अलग होना चाहे, जो भी अलग होना चाहे, ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता. उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा.